इस बार चुनाव आयोग ने हर विधानसभा में एक महिला मतदान केंद्र बनाया है, लेकिन न केवल झुंझुनू का बल्कि प्रदेश का सबसे सुंदर महिला मतदान केंद्र स्थापित किया गया है झुंझुनू जिला मुख्यालय पर। महर्षि दयानंद गर्ल्स कॉलेज में स्थापित किए गए मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं इसमें आने के बाद कहीं भी मतदाता को यह आभास नहीं होता कि वह किसी मतदान केंद्र में वोट देने आए हो, बल्कि ऐसा लगता है कि वह किसी उत्सव में हिस्सा लेने आए हो। जी हाँ, गेट पर शहनाई और ढोल, प्रवेश पर तिलकार्चन से स्वागत, बच्चों को चॉकलेट, चारों ओर फूलों, गुब्बारों और टेडी बियर से सजावट, साथ ही चाय कॉफी की व्यवस्था। कुछ ऐसा ही नज़ारा मिल रहा है इस महिला मतदान केंद्र पर। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ पर मतदाता सेल्फी ले रहे हैं। वहीं मतदान केंद्र को डेकोरेशन के चलते हर कहीं सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। इस मतदान केंद्र को सजाने का काम किया है महिला अधिकारिता विभाग ने, जिसका अवलोकन करने के लिए खुद जिला कलेक्टर दिनेश यादव भी पहुंचे, जिन्होंने इसकी तारीफ की और कहा कि निसंदेह यह प्रदेश का सबसे सुंदर मतदान केंद्र है, जिसमें अन्य सुविधाओं के अलावा महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग रूम भी बनाया गया है। वहीं लाइनों में लगने की बजाय 3 जगहों पर वेटिंग एरिया बनाया गया है, जो भी अनुकरणीय उदाहरण है। यहाँ पर आने वाले मतदाता भी खिले खिले नजर आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यदि ऐसी सुविधा हर जगह हो तो मतदान को लेकर अधिक चार्म लोगों को देखने को मिलेगा। छोड़ दो आज। एक मिनट रुक जाओ भैया, सब आते हैं। चलो इनको दिखा दो। हेलो, किन्ने बेटा, इनको इनको दिखा दो।
अंकल हाँ जी कॉफी लो कॉफी लो। आया करो आंगली दिखा के कराओ ये फोटो तो है। सबसे पहले तो मैं झुंझुनू जिले के सभी मतदाताओं को इस मतदान दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि हम सब लोग जिनका भी नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है वो सब आवश्यक रूप से मतदान करें, क्योंकि अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा। इसी क्रम में आज और सुविधाएं मतदाताओं को प्रदान करने की दृष्टि से और मतदान को और बढ़ाने की दृष्टि से चुनाव आयोग, राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग और सभी की पहल पर राजस्थान के लगभग सभी जिलों के अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक महिला मतदान केंद्र की स्थापना की गई है और इसी प्रकार से आदर्श मतदान केंद्र की भी स्थापना की गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये महिला मतदान केंद्र है जिस पर कि इन बच्चियों ने जो भी आने वाले हमारे मतदाता हैं उनका स्वागत किया, जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनका स्वागत किया। मतदाता पार्टी कल आ गई थी उसका भी कल स्वागत किया गया था और इन सब का उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करना और साथ ही साथ मतदान केंद्र वो है एक आदर्श जगह है ये कोई इस प्रकार से, क्योंकि पहले लोगों में इस चीज़ के लिए भी भय हुआ करता था कि मतदान केंद्र पे जाएंगे तो पता नहीं आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ताओं में या अन्य प्रकार से कोई झगड़ा हो जाए ये हो जाए, तो लोग इससे भी बचने के प्रयास कुछ लोग करते थे। तो उस संदर्भ में अब ये है कि सब आदर्श मतदान केंद्र हैं जितने भी हैं, आप लोग आराम से वोट करें। मतदाताओं की सुरक्षा के लिए सर्वत्र व्यापक प्रबंध हैं और सब सर्वत्र स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि आराम से मतदान कर सकें। तो एक बार पुनः झुंझुनू जिले के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत स्वागत है और उनसे मेरा पुनः अनुरोध है कि 100% मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाएं। हमारे जिले के अंदर 7 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 7 महिला मतदान केंद्र तो आवश्यक रूप से बनाए गए हैं, जिनमें समस्त जो हमारी महिला कर्मी हैं वही मतदान कराने के लिए कार्मिक के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त झुंझुनू शहर के जितने भी मतदान केंद्र हैं, 56 मतदान केंद्र टोटल झुंझुनू शहर के अंदर हैं, उनके सभी मतदान केंद्रों पर 2-4 जो हमारे टोटल मतदान कर्मी होते हैं उनमें से 2 मतदान कर्मी महिला मतदान कर्मी हैं। तो ये पहली बार झुंझुनू जिले में हुआ है कि शहर के सभी मतदान केंद्रों पर 2 मतदान कर्मी महिला मतदान कर्मी हैं। हमारी इच्छा तो ये थी कि लगभग सभी शहरों के सभी मतदान केंद्रों पर सारी पार्टियां ही हम महिला मतदान कर्मियों की बनाएं, लेकिन कुछ चुनाव आयोग के उनके लिए निर्देश थे जिनकी पालना करने के लिए फिर थोड़ा सा महिलाओं को अधिक कठिनाई होती, इस कारण से हमने यहीं तक सीमित रखा है। और हमें विश्वास है कि अगली बार जब मतदान होगा लोकसभा का
तो झुंझुनू जिले के कम शहरी क्षेत्रों के सारे मतदान केंद्र महिला मतदान केंद्र होंगे। सर यहाँ पर क्या क्या मतदान केंद्र पे न केवल एक प्रतीक्षालय पृथक से बनाया गया है, बैठने की व्यवस्था, एक सेल्फी पॉइंट है, मतदान केंद्र को इस प्रकार से सजाया गया है कि मतदान केंद्र में आने वाले जो भी मतदाता हैं उनको एक अच्छा सुखद और ऐसा आभास हो कि वो किसी मतदान केंद्र पे अपना केवल एक जबरदस्ती फर्ज निभाने नहीं जा रहे हैं बल्कि एक इस प्रकार के स्थान पे जा रहे हैं जो उनको आराम भी मिले, सुविधा भी मिले और उनका मन भी प्रसन्न हो। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और राजस्थान में मेरे ख्याल है ये पहला ही और एकमात्र शायद मतदान केंद्र होगा जहां स्तनपान केंद्र भी, क्योंकि महिलाएं जिनके अगर छोटे बच्चे हैं अगर वो स्तनपान भी करना चाहती हैं मतदान के उसमें तो उसके लिए भी पृथक से बनाया गया है। स्वागत और सेनाई वगैरह का ये निश्चित रूप से मतदाताओं का और विशेष तौर पर बुजुर्ग और नवीन मतदाता हैं उनका स्वागत करना भी हम सबका फर्ज है, तो उस दृष्टि से हमारी बच्चियां हैं उनके स्वागत के लिए भी यहाँ उपस्थित हैं और जैसा हमारे भारत की परंपरा है किसी भी शुभ कार्य को की शुरुआत शहनाई से की जाती है तो उसका भी यहाँ प्रदर्शन किया गया। कौन सी बार वोट दे रहा है? घनी साल होगी तो नहीं देखो, बहुत बढ़िया लगे हो, क्या लग रहे? गुब्बारा लग रहे हैं और सब कुछ लग रहे हैं, स्वागत हो, कॉफी मिली, चाय मिली, बहुत अच्छा लगा। एक अपना अपन विवाह जैसा शादी जैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मतदान करके। इस महिला जो मतदान अधिकारी हैं यहाँ पे वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, यहाँ का माहौल ही एकदम परिवार जैसा सुंदर माहौल लगा। आने से पहले ये नहीं सोचा था कि ऐसा यहाँ पे सब कुछ ऐसा मिलेगा, बहुत ही तिलकार्जन किया है यहाँ पे और भव्य, जैसे किसी शादी समारोह में आए हो किसी, इस तरीके से अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे मतदान केंद्र हो तो बहुत ही अच्छा होगा, मतदान से वंचित नहीं रहेंगे, इस तरीके के माहौल में हरेक जाना चाहेगा कि भाई देख के तो आए। ऐसा माहौल देख करके ये लगता है कि हर मतदाता अपनी जगह बहुत ही ज्यादा कीमत रखता है, लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व है और जैसा उसका यहाँ स्वागत होता है तो उसे उसके वोट की कीमत का भी ज्ञान होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत ही एकदम लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत ही शाही तरीके से स्वागत किया गया।